नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बेवरेजेस कंपनी के बारे में, जो इंडिया के एक पॉपुलर बेवरेजेस कंपनी बन चुके हैं। और इस कंपनी ने करीबन करीबन 750 से 800% तक रिटर्न दिया जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी कब स्टार्ट हुआ देखा जाए तो कंपनी 2016 में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ, और कंपनी बहुत पहले से ही बिजनेस स्टार्ट किया। तो कंपनी कौन सा है जिसका पॉपुलर ब्रांड आप जानते हैं, पेप्सी को है, माउंटेन ड्यू है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी इसका मतलब एक एक कस्टमर बन चुके हैं। तो कंपनी कौन सा है चलो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेबल वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम है बरुण बेवरेजेस, जो मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं क्यों पसंद करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा। आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं सबसे पहले जो चीज़ आपको देखना है वो है कंपनी का बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस फ्यूचर में कितने दूर तक टिक सकता है। देखिए आप तो वो कंपनी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप जाकर कंपनी को नहीं बोल सकते कि चलो आप इसमें इस तरीके से बिजनेस करिए, इस तरीके से काम करिए, वो तो आप बोल नहीं सकते। कंपनी का प्रोमोटर, कंपनी का जो मतलब मैनेजमेंट टीम है, वो कंपनी को कौन सा दिशा में लेके जा रहा है वो आप देख सकते हैं, और उसी विजन के हिसाब से आप कंपनी को चूज करिए। देखिए कंपनी 1995 से स्टार्ट हुआ था, कंपनी एक बेवरेजेस कंपनी है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी जो मेन ब्रांड से पैसा कमाता है वो है पेप्सी को। अब सभी जानते पेप्सी को कितने बड़े कंपनी है, जहाँ पे पेप्सी है, सेवन अप है, माउंटेन ड्यू है, साथ ही साथ मिरिंडा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज का प्रोडक्ट यही कंपनी बनाते हैं। तो देखिए आप कहेंगे सर क्या पेप्सी को इसी का ही प्रोडक्ट है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी इस प्रोडक्ट का ब्रांड का प्रोडक्ट बनाते हैं, और यहाँ पे इंडिया में एक पॉपुलर कंपनी यहाँ पे बन चुके हैं। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ लोकेशन, कहाँ कहाँ पे कंपनी का बिजनेस चलता है आप देख सकते, 27 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस चलता है, जैसे नेपाल में, श्रीलंका में, मोरक्को में, यहाँ पे देख सकते हैं मजबिक में, साथ ही साथ जिम्बाब्वे में। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस चलता है, ग्लोबली मार्केट में बिजनेस चलते हैं। तो इस कंपनी में सबसे जो मुझे खास से जो चीज़ लगा कंपनी का बिजनेस यूनिक मॉडल वो क्या है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो देखिए आपको पेप्सी को जो मिलेगा, पेप्सी, चलो मैं एक बार आपको कंपनी का प्रोडक्ट ही दिखा देता हूँ और भी आपको कंपनी का डिटेल्स आपको मिल ही जाएगा। हाँ आप देख सकते हैं कंपनी के, देखिए जो ट्रॉपिकाना है, आप यहाँ पे ट्रॉपिकाना पीते हैं, जो आप एक्वाफिना जो वाटर पीते हैं मतलब पानी के हिसाब से, साथ ही साथ पेप्सी का जो ब्रांड है ट्रॉपिकाना का, जो इतने सारे फ्लेवर्स है वो सारे प्रोडक्ट की कंपनी ही बनाते हैं, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी ही यहाँ पे बना के रखते हैं। तो कंपनी के कौन सा कंट्रीज के ऊपर बिजनेस है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे डेटा आपको इसीलिए मैं दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं क्या वो कंपनी सही में आपको ठीक दिशा में लेके जा रहा है कि गलत दिशा में लेके जा रहा है, वो आपको देखना चाहिए। तो ध्यान से इस कंपनी के प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस कंपनी के होम पेज में आप आएंगे तो इसका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो देखिए पेप्सी का जो जितने सारे पेप्सी का कैन आप देखते हैं तो इसी कंपनी बनाते हैं, साथ ही साथ ट्रॉपिकाना है, माउंटेन ड्यू है, साथ ही साथ सेवन अप है, मिरिंडा है, स्लाइस है, जो आप स्लाइस भी पीते हैं माजा के, मतलब जो अल्टरनेटिव जो कंपनी बना है स्लाइस, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म विजन के लिए है, क्योंकि देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, लोग देखिए स्टेटस वाइज चलते रहते हैं, लोग खुद का पैसे दिखाने के लिए, लोगों को स्टेटस दिखाने के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट को वो खरीदते रहते हैं, क्योंकि उसको लोगों को दिखाना है कि मेरे पास पैसा है, मैं भी आपके जैसा ही बन मतलब खरीद के मतलब खा सकता हूँ पी सकता हूँ। तो इसीलिए इस तरीके से प्रोडक्ट चलते रहेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखें, देखिए यूएस मार्केट में हम नैस्टेक में देखेंगे तो पेप्सी को जो शेयर जो पैटर्न है आप ध्यान से देखेंगे कि 6 मंथ में कुछ खास नहीं, 1 साल में कुछ खास नहीं, 5 साल में और मैक्सिमम देखेंगे तो कितना 8000% का रिटर्न दिया। कंपनी कब से स्टार्ट हुआ, 1983 से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, और वो भी कहाँ पे, यूएस में। आप कहेंगे सर वहाँ पे लिस्टिंग है तो मैं क्या करूँ, देखिए जिसका प्रोडक्ट आज बरुण बेवरेजेस बनाता है
उस कंपनी का प्रोडक्ट खुद इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और अभी भी आज टॉप लेवल में है, अमेरिकन के हालत मतलब अमेरिका स्टॉक मार्केट में इतना खराब हालत के कारण भी, तो सोचिए कंपनी में कितना स्टेन है। तो उसी का स्टेन किस में दिखेगा? आपको बोरुन बेवरेज में दिखेगा। उसी तरीके से देखिए इसका स्टेन भी आपको दिखा। तो मैं जरूर कहूँगा आपको इस कंपनी में एक मान में करीबन 20% तक डिस्काउंट में शेयर दे रहा है, तो इसी का तो फायदा आपको उठाना है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। तो ध्यान से एक चीज़ को आप देखेंगे तो बोरुन बेवरेजेज का जो परफॉर्मेंस है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन मुझे हाई लग रहा है, क्योंकि 51 इसका पी रेशियो है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कम तो है, मगर हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। 10 मतलब लोअर साइड में और 30 मतलब अपर साइड में, हायर साइड में आपको पी रेशियो होना चाहिए, तो इसके अंदर आपको होना चाहिए। मगर यहाँ पर तो 51 है, मतलब हाई वैल्यूएशन में है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना है? करीबन 400 करोड़ के आसपास है। हाथ में कैश कितना है, सॉरी इनकम कितना किया? 750 करोड़ के आसपास। कर्जा कितना है? 2300 करोड़ के आसपास। कंपनी के ऊपर मैं जब से स्टडी कर रहा हूँ तब से कंपनी को देख रहे हो 50,000 करोड़ से भी नीचे था, 50,000 करोड़ से भी नीचे था इसका मार्केट कैप। आज कितना? 73,000 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी में बहुत सारे स्ट्रेंथ है, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, पैग रेशियो भी 1% के नीचे है, इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा दिखाया जा रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है कंपनी को बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी में एक चीज़ मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी का प्रॉफिट, कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया। ऐसे नहीं कि हाँ आप कहेंगे सर 2013 में 14 में कंपनी का लॉसेस हो रहा था, उसके बाद देखिए कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। कोई कंपनी आपको 5 साल में 40% तक रिटर्न दिया तो सोचना आपका फंड कितना गुना हो चुके हैं। तो कितना गुना आपका फंड हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का ऐसे नहीं कि सिर्फ रिटर्न ही दिया, देखिए आप देखेंगे TTML जो जो देखा जाए तो आपको रिटर्न तगड़ा दिखेगा, मगर बाकी सारे पैरामीटर्स नेगेटिव दिखेगा। तो आपको रिटर्न सिर्फ देखना नहीं है, आपको बाकी पैरामीटर्स भी देखना पड़ेगा, ऐसे मार्केट कैप मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का कैश फ्लो बता रहे हैं, कंपनी कंटिन्यूसली खुद का कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहे हैं और इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे फोर्स मोटर के पास पहले भी जितना होल्डिंग था, थोड़ा सा माल बेचा है फिर भी अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक के सॉरी FIIs के पास कितना? 19% था, आज कितना? 26% है। आपको ये बात ध्यान से रखना है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े FIIs और DIIs ने माल उठाना स्टार्ट कर दिया है तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़े होने वाले हैं। तो पहले से ही आपको एक अंदाजा मिलेगा, जब पब्लिक होल्डिंग बढ़ रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर खतरा हो सकता है। ऐसे नहीं कि 100% होगा, खतरा हो सकता है। तो आपको इस तरीके से डेटा को चेकआउट करना होगा। तो FIIs और DIIs के बारे में बात करूँ तो हर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली करते जा रहा है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था 190 चल 200 के आसपास था, और वहाँ से कंपनी का जर्नी कितना हुआ? 1400 रुपीज़ के आसपास। तो आप बोल सकते हैं 7 गुना आपका फंड कर चुके थे कंपनी कोविड से आज तक, मतलब 3 साल के अंदर अंदर कंपनी आपको 7 गुना आपका फंड कर चुके हैं। 7 गुना मान के चलिए आपने इस कंपनी के ऊपर उस टाइम 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो आपको 7 लाख रुपीज मिल चुके हैं। उसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिला। तो अभी देखिए एक रेंज में आपको ड्रॉ करके दिया था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी हायर लेवल अगर ब्रेकआउट होते हैं तो प्लीज़ एंटर मत हो जाइएगा, यहाँ पे एक बार वो रिवर्सल करेगा, क्योंकि हायर जो ब्रेकआउट होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण स्टॉक में एक बार गिरावट होगा। तो वहाँ से अगर रिवर्सल करके ब्रेकआउट होता है तो सोच लेना आपका एंट्री लेवल मिल गया। यहाँ पे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखा और इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको दिखेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हाई वॉल्यूम था और यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ था, फिर भी वो ब्रेकआउट फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि देखिए इस तरीके से ब्रेकआउट के माध्यम से आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखा जाते हैं, जो लोग फंसना चाहते हैं उसको तो फंसाना होगा, नहीं तो वो सेल कहाँ से करेंगे। अगर देखिए बड़े प्लेयर अगर माल बेचना चाहेंगे, मान के चलिए बड़े प्लेयर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे माल बेचना चाहेंगे, तो अगर वहाँ पे माल बेचेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बायर्स भी तो चाहिए होता ना, तो इसलिए माल को इतने ज़्यादा बायर्स का जरूरत था जो माल को सेल आउट करने के लिए। मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे रिवर्सल करने दीजिए, इस लेवल को याद रखना 1200
करीबन 35 के आसपास इस लेवल को अगर फिर से ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसके लेवल के ऊपर अगर दे तो सोचना एक बहुत बड़ा आपको रैली फिर से दिखेगा। तो बिग अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के ऊपर, मतलब फिर से स्टडी करके निवेश करने का, क्योंकि बड़े निवेशक मतलब एज ए FIs और DIs अच्छा खासा माल उठा रहा है, तो इसका भी फायदा आपको लेना चाहिए। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके हिसाब से काम करिए। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।